वेलकम फ्रेंड फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ग्लाइंडर यानी कि ओल्ड मॉडल जो ग्लाइंडर कटर मशीन होती है फ्रेंड, उसके बारे में फ्रेंड। तो कि मेरे पास एक ग्लाइंडर आया है रिपेयरिंग के लिए, तो सोचा फ्रेंड उसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। तो फ्रेंड जो है कि इसमें कस्टमर का कहना है फ्रेंड कि जो ये ग्लाइंडर है फ्रेंड जो कि ये चलता तो है, लेकिन फिर जो जब इससे किसी चीज़ को काटा जाता है यानी कि लोया वगैरह तास हरिया वगैरह को, तो फ्रेंड जो है कि सिर्फ ग्लाइंडर घूमता रहता है, पत्ता जो इसका फ्रेंड लोड नहीं ले पा रहा है। तो किस कारण से फ्रेंड जो है कि ये लोड नहीं ले पा रहा है, तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में बस यही आपको सिखाने वाले हैं। तो फ्रेंड वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों जाके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। फ्रेंड अगर वीडियो में कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट जरूर करना। ओके फ्रेंड, तो आज के वीडियो जो कि हम शुरू करते हैं फ्रेंड। तो ग्लाइंडर में जो ये समस्या आती है तो किन कारणों से आती है, तो फ्रेंड इसमें दो कारण हो सकते हैं ग्लाइंडर की ये समस्या का कारण। फ्रेंड यह तो हो सकता है कि फ्रेंड जो इस ग्लाइंडर की जो है कि गरारी यानी कि जो गेयर है फ्रेंड, वो गेयर के आटे जो खंजे बने हुए रहते हैं वो टूट चुके हैं या फिर वो घिस चुके हैं। या फ्रेंड हो सकता है कि इसकी जो छोटी गरारी गेयर का जो रहता है फ्रेंड, जो उसका जो है कि वो स्लिप हो गया यानी कि फ्रेंड वो ढीला हो गया वहाँ से। तो हमें इस कारण से भी होता है ज़्यादातर फ्रेंड इसमें यही समस्या आती है कि इसकी गरारी ज़्यादा दिन चलने से फ्रेंड क्या है नट स्लिप हो जाता है और वो ढीला हो जाता है, जिससे क्या है कि फ्रेंड जो लोड दिया जाता है तो वो फ्री घूमने लगता है और आर्मेचर फटता ही रहता है। तो फ्रेंड इससे पहले कि हम इसे खोल कर देख लेते कि इसमें क्या क्या समस्या आता है फ्रेंड, जो कि हम सबसे पहले जो है कि इसके सभी नटे हैं इसमें चारों पेच जो दिए हुए हैं फ्रेंड, हम चारों पेचों को जो है कि हम पेचकस इसको ड्राइवर की सहायता से फ्रेंड इनको हम खोल लेते हैं। फिर इसको खोलने के साथ साथ इस ग्लाइंडर के डायरेक्शन या दिशा का भी आपको ध्यान रखना रहता है कि फिर किस डायरेक्शन किस दिशा में फिर ये फिट किया हुआ रहता है, तो हमें उसी डायरेक्शन उसी दिशा में जो है कि हमें इसे फिट करना रहेगा फिर। तो इससे पहले जो है कि फिर सबसे पहले हम जो है कि सभी नटों को चारों पेचों को सबको आसानी से जो है कि खुल जाते हैं फिर इनको उनको खोल लेना है फिर। कई बार क्या होता है कि कुछ ग्लाइंडर जो है कि बजरी वगैरह के यहाँ चलते रहते हैं यानी कट्टर मशीन जो चौके वगैरह काटते हैं, तो वहाँ पर क्या है कि इसमें सीमेंट वगैरह लग जाता है, जिससे भी है फ्रेंड इसमें दिक्कत आ रही है सकती है। तो फिर हम देख सकते हैं कि इसके अंदर गरारी एकदम परफेक्ट है फ्रेंड, यहाँ की जो गरारी है फ्रेंड हमें यही मिस्टेक। तो फिर आप देख सकते हैं कि इसके जो है गरारी ही ढीली पड़ी हुई है, यहाँ पर बोल्ट जो है इनका ढीला हो चुका है फ्रेंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है गरारी है ये एकदम फर रही है यानी कि ये साफ्ट के साथ में फरनी चाहिए इस तरीके से फ्रेंड फ्रेंड, लेकिन ये साफ्ट के साथ में नहीं फर रही है फ्रेंड। जब इस पर लोड दिया जाता है तो फिर क्या है कि ये फरना बंद कर देती है और ये साफ्ट जो फरती ही रहती है, ये साफ्ट के साथ में ही फरनी चाहिए फ्रेंड, ये साफ्ट के साथ में जो है कि नहीं फर रही है। तो इसका जो है कि हमें यहाँ से टाई खोल कर इसे जो है कि टाइट करना रहेगा फ्रेंड। तो फिर आप देख सकते हैं कि जो कि हमारे साफ्ट के अंदर से फ्रेंड ये जो ये फर रही है, तो इसको आप हल्का सा थोड़ा सा पेचकस या पाने या फिर आपके पास जो पिलार है किसी की जो भी आपके पास टूल से जो अवेलेबल हो फ्रेंड, उसकी सहायता से आप इसे एकदम परफेक्टली और अच्छा फुल टाइट करना है। हो सके तो फ्रेंड इसमें जो है कि तेरह का पाना लगता है, आप तेरह के पाने से जो इसको अच्छी तरीके से फिट कर सकते हैं फ्रेंड। फिर ज़्यादा जो है कि कस्टमर को लगता है कि उसकी गरारी ख़राब हो चुकी है, लेकिन फ्रेंड गरारी जो है कि काफ़ी इतनी आसानी से ख़राब नहीं होती फ्रेंड, जो है कि ये यहाँ से ढीला हो चुका है, इसलिए उसे फ्रेंड जो है कि लोड देने पर ये फ्री हो जाता है फ्रेंड। अधिकतर ज़्यादातर यही कारण रहते हैं फ्रेंड इनके फ्री होने के। तो फ्रेंड देख सकते हैं कि आपको इस तरीके से टाइट करना है फ्रेंड। अब देखिए अब हमारा ये साफ्ट के साथ में ही फर रहा है इसे एकदम परफेक्टली फ्रेंड। अगर आपके पास 13 के नंबर की जो टाइमिंग वगैरह अगर अवेलेबल हो जाए तो आप उससे भी इसे एकदम परफेक्टली और अच्छी तरीके से जो है कि फिट कर सकते हो फ्रेंड। उसके बाद में फ्रेंड जो है कि ऊपर का नट है इसे भी हम कस देते हैं फ्रेंड। इसका वैसे तो आटा जो है कि स्लिप हो गया यानी कि आटे कट चुके हैं, लेकिन फिर भी फ्रेंड हल्का फुल्का टाइट हो जाएगा। तो हम जैसे यहाँ पर इसे रख कर इसे इस तरीके से वापस से असेंबल करना है फ्रेंड। इसमें आप चला कर भी आपको दिखाऊंगा कि फ्रेंड अभी कितना प्रकार कितना जो है कि ये लोड ले रहा है या नहीं ले रहा है फ्रेंड। पहले जो है कि फ्रेंड इसमें थोड़ी सी भी सी जो है कि वाइब्रेशन नहीं हो रही यानी कि धूज नहीं रहा था, क्योंकि इसमें गरारी जो है कि फ्रेंड फर नहीं रही थी, सिर्फ ग्लाइंडर आर्मेचर ही हमारा फर रहा था ग्लाइंडर का, इस वजह से भी फ्रेंड जो है कि हमें दिक्कत आ रही है। तो फ्रेंड आप देख सकते हो कि किस प्रकार से जो है कि हमारा ग्लाइंडर एकदम परफेक्टली और एकदम फास्टिंग के साथ में जो है कि एकदम अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। तो ओके फ्रेंड, अगर वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया तब कमेंट जरूर करना, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना ना भूले। ओके फ्रेंड, मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में।